अपने यहाँ मारुति होंडा का स्पेयर पार्ट सेकेंड हैंड में, और एक्सेंट का हुंडई का, हुंडई का, टाटा का ऑल पार्ट्स सेकेंड हैंड में सभी मिलते हैं। सो इस तरफ ये आने के बाद ये वाली मार्केट सामने जो दिख रही है सब मार्केट है, हर गाड़ी का अलग अलग स्पेयर पार्ट सब सामान यहाँ पे मिलेगा, टायर मैकपिल पुराना वराना सब आइटम हर चीज़ सेकंड में मिलेगी। मेरी बाइक पता नहीं किधर गई, जर्नी का स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये वाला रोड है दहीसर वाला, दहीसर से हम लोग जाएंगे बांद्रा कुर्ला, कुर्ला चोर मार्केट में जाने गए। तो चोर मार्केट वैसे बोल नहीं सकते, बट बाहर की जो मार्केट है उधर से उनको कुछ सामान लेने गए। ग्यारह 37 हुआ है, फाइनली ये वाला रोड है पहुंच गए, दहीसर वाला, दहीसर टोलनाका का रोड है, यहाँ से मुंबई में एंट्री मिलती है। यहाँ से ट्रैफिक स्टार्ट हो गई, यहाँ पे हमेशा रहता है जब भी आते हैं। यहाँ से मुंबई में अपना स्वागत हो रहा है स्पीड ब्रेकर के और खड्डे के साथ, यहाँ से ऑफिशियली हम मुंबई में एंट्री मार चुके हैं। मास्क की वजह से आवाज़ अगर क्लीन नहीं आती रहेगी। ये वाला है दहीसर का टोलनाका, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर की ट्रैफिक होती है। बाइक के लिए अलग से लेने, बट वहाँ पे ऑटो रिक्शा बहुत है, ज़्यादातर लोग इधर से निकलते हैं गाड़ी के साथ। वहाँ पे टू वे का नहीं, अगर आपको रिटर्न आना है तो यहाँ पे रिटर्न जो टोल नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्शन वाला इधर सिस्टम नहीं है। है बूढ़ी बल्ली 4 किलोमीटर, ज़्यादा यहाँ पे सब डिस्टेंस जो भी है 3 किलोमीटर 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है, सब पास पास में ही है जितने भी स्टेशन है। जब साउंड टेस्टिंग के लिए पता नहीं इसमें साउंड कैसे आ रही है, बाइक की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही पता नहीं, बाइक में एकदम मुंह के पास ठूसा हुआ है और मास्क लगा हुआ है, अलग से वॉइस ओवर करने में बहुत कंटल आता है। एट ए टाइम जो मोमेंट हम लोग देखते हैं वो बोलने के लिए अच्छा रहता है, वो बाद में याद करके फिर वो बोलना कंटल वाला काम है, डबल मेहनत तो होती है। ये वाला पूरा मेट्रो का काम चल रहा है इधर राइट हैंड साइड में, इसके लिए पूरे मुंबई में हर जगह रोड की हालत ऐसी है, ट्रैफिक बहुत रहता है। एक बार मेट्रो बन जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बाइक लेके नहीं जाऊँगा, मेट्रो में मस्त है, ए सी में ठंडा ठंडा बैठ के जाऊँगा। काम होते करने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है, बट फ्यूचर के लिए अच्छा ही है, अच्छी चीज़ों का समर्थन करें, विरोध करने में टाइम ज़्यादा मत बर्बाद करें। यहाँ से सीधा दादर है 25 किलोमीटर, बोरीवली स्टेशन यहाँ से लेफ्ट टर्न आएगा 1.4 किलोमीटर। हवा काफ़ी बढ़ चुकी है स्पीड के हिसाब से, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, वाइजर प्रॉपर क्लोज कर दिया मैंने। ये वाली जो बाइक है ये एवेंजर 180cc है, पुराना मॉडल था। अभी भी पूरा ये फॉग वॉग दिख रहा है, ये फॉग नहीं है ये धुम्मस है, इसको बोलते हैं प्रदूषण, हालत काफ़ी ख़राब हो रही है धीरे धीरे। मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो के पास, ज़्यादा रहेगा 22 किलोमीटर, बी के सी 16 किलोमीटर, तो कुर्ला के लिए टर्न ढूंढना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता कि टर्न किधर है। ये
डैम पे कैसा होता था, धूप रहती है बट रोड खाली रहता है। अभी 12:45 हुआ, धूप करके 12:45, एकदम कड़कती धूप वाला है। साई राम, जय शनिदेव, जय जय माता दी, जय धर्म सिंह। ऐसे जा रहा है इधर मेरा भारत महा। ज़्यादा ट्रक वालों को पीछे लिखा रहता है, कभी कोई महंगी गाड़ी या सस्ती गाड़ी के पीछे कभी देखा नहीं कि अपने देश के बारे में कुछ लिखा हो। ये वाला भी अच्छा लगता है मेरे को, मस्त काम किया। फाइनली चाय पी के हो गया अपना। उन्होंने यहाँ से कलीना से राइट टर्न लिया, मिलिट्री कैंप होते हुए निकला। पहले हम लोग कुरला में हैं पहुंचे हुए। ये हाँ, ये वाला जो फ्लाईओवर है वो मार्केट को पास करने के लिए बना हुआ है कि अब मार्केट में टाइम पास ना हो। अपने को जाने का फ्लाईओवर के नीचे से। अब बाइक का पार्किंग ढूंढने में लफड़ा होएगा, पता नहीं किधर पार्किंग है। खड़ी कर दी और बाइक खोल दिया तो वो पता नहीं चलेगा। हाँ भाई भाई, ये देखो ये सारी मार्केट है ये कुरला की। तो पार्किंग तो ऐसे ही है सब जगह। जहाँ मर्जी घुसड़ दो। ओहो, अच्छा ये पार्किंग नहीं है, गैरेज वाले का सब पूरा बना के रखा हुआ, गाड़ी लगाते वही लोग रिपेयर करते हैं। भाई पार्किंग का ये सीन है। सो इस तरफ ये आने के बाद ये वाली मार्केट सामने जो दिख रही है सब मार्केट है। मेरा बाइक उधर कहीं आगे लगी है। हर गाड़ी का अलग अलग स्पेयर पार्ट सब सामान यहाँ पे मिलेगा। टायर मैकपिल पुराना वराना सब आइटम हर चीज़ सेकंड में मिलेगी। मेरी बाइक पता नहीं किधर गई। हाँ देखो ये वाला पार्ट है गाड़ी का जिसको हमने वो चेंज करने का, दूसरा चाहिए इसको बोलते हैं फ्यूल असेंबली। ये होंडा सिटी हाइब्रिड का, तो यहाँ पे देखो लटक रहा है ऊपर, ऐसे ही पार्ट है कुछ ना कुछ। भाई निकाल के दे रहे अपने को, अंदर ही बहुत सारे है। इसको अगर नीचे रख दिया तो मालूम नहीं पड़ा अपना किधर गया, सब मिक्स हो जाएगा। सो पहले ये वाली मार्केट में ट्राई किया मैंने, यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे इस तरह पार्किंग है, किधर भी आप गाड़ी वाड़ी भी फोर व्हीलर ला रहे थे सामने लगा दो, थोड़ी सी ट्रैफिक होगी। सो हमारा जो मेन पार्ट था लेने का था वो ले लिया हम लोगों ने। अभी और एक दो आइटम है वो देख रहे हैं, इसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए। और इधर गाड़ी का जैक बैग सब मिलता है इस तरफ। हाँ ये जो हाइड्रोलिक वाडल है, ग्यारह सौ इसका वो शायद, ये लगता है ये साइज था शायद, ये इतना साइज था। हाँ वो बाजू वाला, हाँ ये वाला है। ये तो कलर मारा जाना, ये वाले का 800 और ये बड़े वाले का कितना, 1100। हाँ कम करें ले लेना। क्या बोल रहा, वो तो पास रहता है। हाँ तो फिर कैसा रिकॉर्ड होएगा। सो ये वाली मार्केट है, यहाँ से मैं अंदर एंट्री मारा इससे।
ये फिरोज भाई का ना ऑटो पार्ट, यहाँ से हम लोग सामान ले रहे हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला यहाँ से हम ले रहे हैं। और क्या क्या मिलता है आपने उधर? अपने यहाँ मारुति होंडा का स्पेयर पार्ट सेकेंड हैंड में, और एक्सेंट का, हुंडई का, हुंडई का, टाटा का हाल पार्ट सेकेंड हैंड में सभी मिलते हैं। यहाँ पे किसी को आना रहेगा तो कौन सा एरिया है? ये कुरला CST रोड फेमस है। हाँ, कुरला CST रोड। हाँ, कुरला डिपो के पीछे देखो। हाँ, CST रोड कुरला वेस्ट। ओके। हाँ, CST रोड फेमस है। हाँ, ये फ्लाई ओवर के नीचे की तरफ है, ये वाला रास्ता मैं बाहर से दिखाया। इस तरह का स्पेयर पार्ट रहता है, सारा सेकेंड सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ इधर थोड़ी बहुत दुकान है, मतलब ये लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड जहाँ पे था, और हम लोग जो गए थे सामने ये वाली गली में। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हाँ, दिख रहा है मेरा, धन्यवाद।